हमारा जो कल बॉनी हुई थी वो या एंड हुआ था, वो हुआ था एक वर्ड छोड़ के गया था कैपेसिटर, टर टर, और मैंने बताया था जिसके पीछे टर लग जाए, चाहे वो रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, ट्रांजिस्टर, वो मैन मेड कंपोनेंट होता है, आदमी बनाता है उसको। एक बार फिर से बोलता हूं, रेजिस्टेंस और रजिस्टर, रेजिस्टेंस तो सब में होता है, दुनिया की हर डिवाइस, हर एलिमेंट में, हर मेटेरियल में रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ, लेकिन किसी का कम भी तो होगा, किसी का ज्यादा भी तो होगा, और कैलकुलेटेड नहीं, ठीक है। रजिस्टर क्या होता है, एक डिवाइस होगी जो हमने खुद बनाई है, जो अच्छा रजिस्टेंस दे वो रजिस्टर, जो अच्छा कैपेसिटेंस दे वो कैपेसिटर। तो चलिए एक अच्छा कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर, कैपेसिटर, कैपेसिटर का जो लिटरली मीनिंग है, यदि डेफिनेशन दूं मैं, इट इज एन जुगाड़। हाँ हाँ मैं ही हूं बेटा देव, देव मैं ही हूं, वो गैंग्स ऑफ फिजिक्स को, ठीक है। हाँ, कैपेसिटर एक जुगाड़ जो है वो है एक ऐसी, जो आज आप भी सीख जाओगे कि कम जगह में ज्यादा चार्ज ठूसना, कम जगह में ज्यादा से ज्यादा चार्ज ठूसना, जितना पॉसिबिलिटी आप बना सकते हो। कल हमने स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस पढ़ी थी, तो कल एक दिक्कत ये आई थी कि वो भी कह रहा था कैपेसिटेंस तो मैं भी बढ़ा दूंगा, कैपेसिटेंस तो मैं भी बढ़ा दूंगा, ठीक है, लेकिन रेडियस बढ़ानी पड़ेगी मुझे। अब रेडियस बढ़ा के कैपेसिटेंस बढ़ाना, इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं लगी, भर तो जाएगा। आपने जापान के वीडियोस देखे ना, जापान के छोटे से मकान में कितनी सारी फैसिलिटीज घुसा देते हैं, फोल्डेबल फर्नीचर कितना यूज होते हैं। हमारे यहाँ तो भाई भारत में, ठीक है, जो पैसे वाले लोग हैं, काफी जगह होती है, बड़ा बेड होगा, बड़ा ड्राइंग रूम होगा, ये कितना, देखना जापान में एक छोटी सी जगह को कितना यूटिलाइज कर लेते हैं। तो कैपेसिटर में हम यही करेंगे। तो चलिए, इसमें जो हम प्रिंसिपल यूज करेंगे, प्रिंसिपल मतलब इसमें जो जुगाड़ के जो जुगाड़ के समय बुद्धि लगाएंगे वो ये लगाएंगे। देखो Q इक्वल टू होता है CV, Q इक्वल टू होता है CV, तो यहां से C इक्वल टू हो गया Q अपॉन V, जो C हो गया वो हो गया Q अपॉन V। तो अब गौर से देखिए, यदि मैं कुछ ऐसी जुगाड़, ऐसी इंजीनियरिंग लगा दूं, ऐसी कोई बुद्धि लगा दूं, ठीक है, जिसमें चार्ज बिना कम हुए, मतलब चार्ज नहीं कम हो, ठीक है, यानी ठीक है, इफ क्यू इज कॉन्स्टेंट, यानी चार्ज को मैं कम ना करूं, देन आपको एक चीज दिख रही है, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है, है या नहीं, यानी इसका मतलब यह है कि यदि मैं चार्ज कम किए बिना, दैट इज यदि मैं कैसे भी करके कुछ ऐसी फिजिक्स ढूंढूं कि जिससे उस कंडक्टर का पोटेंशियल घट जाए, कंडक्टर का पोटेंशियल घट जाए, तो बताइए कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, देन सी भरना स्टार्ट हो जाएगा। यदि मैं कुछ ऐसी बुद्धि लगाने की सोचूं कि यार क्यू को कौन से, अच्छा क्यू कम नहीं करना हमको, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही तो है कि हमें चार्ज बढ़ाना भी है, उसकी कैपेसिटेंस बढ़ानी है ना, ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करे। तो सोचो यदि मैं चार्ज को छेड़े बिना कैसे भी करके किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल नीचे ले आऊं, उसका पोटेंशियल डाउन कर दूं, तो फॉर्मूला चीक चीक के कह रहा है कि यदि तुम पोटेंशियल डाउन करने में, लेवल को, पोटेंशियल को डाउन करने में कामयाब रहे, तो आप पक्का कैपेसिटेंस बढ़ा दोगे, पक्का कैपेसिटेंस बढ़ा दोगे। अच्छा चलिए, एक मैं इमेजिनरी कंटेनर के थ्रू, क्योंकि बेटा मैं कई दिन से एक बात बोल रहा हूं, इन तीन चीजों को देखिए, आप पानी के थ्रू भी समझ सकते हो, चार्ज को क्या मान लेना है आपको, वॉटर, पोटेंशियल को क्या मान लेना है, पोटेंशियल को क्या मान लेना है, लेवल, याद है ना, और कंडक्टर की जगह कंटेनर मान लीजिएगा, है ना। तो देखिए मैं एक इमेजिनरी सिचुएशन दिखाता हूं कि मेरे पास एक कंटेनर है, ऐसे उसकी दीवारें हैं, ये है कंटेनर, उसमें ये तो रिजिड दीवार है, लेकिन बीच की ये जो दीवार है, ये वाली जो दीवार है, ये मूवेबल है, खिसक सकती है, मतलब ऐसे मान लो ये ऐसे ऐसे खिसका सकते हो, उखड़ नहीं सकती, खिसका सकते हो, ऐसे ऐसे खिसक सकती है, ठीक है। अब यदि गौर से सुनना, इसमें पानी भरा हुआ है इधर, ये ठीक है, तो पानी ऐसे भरा हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए, यदि मैं बाकी दीवारें तो बेटा फिक्स है, लेकिन यदि ये वाली दीवार इधर खिसकाने लग जाऊं, ये वाली दीवार इधर खिसका दूं, तो क्या लगता है क्या फील होगा, ये वाली दीवार इधर खिसका दूं तो क्या होगा, बोलो
जल्दी बताओ क्या लगता है बुद्धि। चलो आप टाइप करने में टाइम लगेगा, मैं ही बता देता हूं, ठीक है बताइए। इसका लेवल बढ़ने नहीं लगेगा, उल्टा लग गया। यदि मैं इस दीवार को इधर कर दूं, नहीं यहां से नीचे लीक नहीं हो रहा पानी, प्लीज सुनना, नीचे से लीक नहीं हो रहा पानी, यानी इस वाली साइड का ये जो दीवार है ना बीच में मूवेबल, जो बीच में मूवेबल दीवार है वो लीक नहीं होने दे रही, बस खिसक सकती है। तो बताइए जैसे ही मैं इसको इधर खिसकाऊंगा तो इधर जो पानी हो उसका लेवल कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? लेवल कम हो जाएगा। अच्छा आप बुद्धि लगाओ, दूसरे शब्दों में ये भी तो कह सकते हो कि इसका लेवल कम हुआ उस कंटेनर की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। मेरे इधर खिसकाने से इसका लेवल कम होगा, साथ के साथ इस कंटेनर की कैपेसिटी भी बढ़ रही है। बोलो बुद्धि में आया या नहीं आया? बताइए, इस बहुत सिंपल है, बताइए इस एग्जांपल में जो मैंने एक सीन क्रिएट किया कि यदि मैं इस दीवार को खिसकाता हूं क्या पानी कम हुआ, क्या पानी कम हुआ ये बताओ? पानी कम हुआ? नहीं हुआ। पानी कम नहीं हुआ। क्या लेवल कम हुआ? हाँ लेवल कम हो गया। बताइए उसका सीधा सीधा प्रभाव, बताइए लेवल जैसे ही कम हुआ तो आपको एक गुंजाइश, एक पॉसिबिलिटी नजर आ गई, अरे अब तो इसमें हम और पानी ठूस सकते हैं। तो सेम यही फिजिक्स है। बताइए पानी को यदि फिक्स कर दूं, पानी को फिक्स कर दूं और लेवल को डाउन कर दूं कैसे भी, तो बताइए कंटेनर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? सेम फिजिक्स यहां पे, बिल्कुल कंटेनर की कैपेसिटी, लेकिन मुद्दा यह कि ये यहां कैसे होगा? यहां तो आपने जनरल लाइफ समझ गए लेकिन यहां कैसे होगा? तो देखिए स्टेप फर्स्ट मैंने एक कंडक्टर लिया, कंडक्टिंग प्लेट इसका नाम ए, ध्यान रखना ठीक है। ये कंडक्टिंग प्लेट ली और इसको पहले कुछ चार्ज दे दिया, जैसे इसमें कुछ पानी दे दिया ना, पहले से कुछ पानी दे दिया था, फिर उसके बाद मैंने खिसकाया तभी डेमोन्स्ट्रेट कर पाया कि देखो जो पहले से मौजूद पानी था उसका लेवल डाउन हो चुका है। तो पहले से इसमें कुछ पानी भर दो, पानी यानी चार्ज, इसमें मैंने चार्ज भर दिया, ये इसमें मैंने चार्ज भर दिया। और ध्यान रखना इसे प्लेट की तरह सोचना, प्लेट की तरह सोचना। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन क्या आता है, सर जब प्लेट की तरह सोचना है तो सर प्लेट बना ही दो, हमारी इमेजिनेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। सर आप बना तो लेते हो प्लेट, देखो आप ऐसे क्यों कर रहे हो सर, आप ऐसे की बजाय ऐसे फिगर बनाओ ना, दिमाग में आता होगा कि सर प्लेट ऐसे ही बना लो हम समझ जाएंगे। नो डाउट ये भी फिगर अच्छा है, ये भी अच्छा है, सर क्या अच्छा है इसमें? चलो ऐसे करके हमारे दिमाग में लाइन चार्ज की इमेजिनेशन ला रहा है, आपके दिमाग में क्या आ रहा है सर ऐसे ऐसे नहीं बनाओ, ऐसे बनाओ, यदि आप कह रहे हो कि प्लेट है तो ऐसे ही बनाओ, क्योंकि जब इस पे आपने चार्ज दिया तो ऐसा फीलिंग ला रहा है कि ये सरफेस चार्ज नहीं ये लीनियर चार्ज है। बोलो ऐसे ही तो फील आ रहा है ना, ऐसे ही फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे ही आ रहा है। लेकिन 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 कुछ फायदे इसमें है तो कुछ नुकसान भी है इसमें। नुकसान इसमें मैं बताता हूं कि अब मैं जो फिजिक्स आगे बढ़ाऊंगा इंडक्शन वाली, पता है ये भी प्लेट है ये भी प्लेट है, इसमें यदि मुझे एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव दिखाना होगा तो संभव है इसमें। यदि मैं प्लेट को इस तरीके से बनाऊं, प्लेट को इस तरीके से बनाऊं तो इसमें एक साइड पॉजिटिव तो एक साइड नेगेटिव दिखाना संभव है। बताना इसमें एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव दिखाना संभव है क्या? सोच के बताओ। इस प्लेट में मैं चाहता हूं एक साइड पॉजिटिव दिख जाए और एक साइड नेगेटिव दिख जाए, इसमें ये चीज नहीं हो पाती, इसीलिए मजबूरी बस फिर मुझे ये वाला फिगर पकड़ना पड़ता है। आया समझ में? यदि पूरी प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज दिखाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, या पूरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज दिखाना हो तो कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। दिक्कत इस फिगर में तब आती है जब प्लेट के एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव दिखाना हो। और अभी आगे का मत सोच लेना, सर आपने तो दोनों तरफ पॉजिटिव दिखाया तो है ऐसे ही बना लो, नहीं अभी सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होगी। तो चलिए अब आप बताओ टाइप करके इसे किसकी तरह इमेजिन करना है आपको, जल्दी बोलो इसे किसकी तरह इमेजिन करना है, लाइन चार्ज या सरफेस चार्ज, मतलब प्लेट की तरह या वायर की तरह, वायर की तरह या प्लेट? हाँ जी प्लेट की तरह सोचना है। अब सुनिए चुपचाप सुनिए, स्टेप फर्स्ट सपोज करो मैंने इसको चार्ज दिया और इसका पोटेंशियल इमेजिन करो 10 वोल्ट हो गया। अच्छा जैसे मैंने इसमें पानी दिया और इसकी हाइट सपोज करो 10 सेंटीमीटर हो गई है। इस समय इस एग्जांपल में यदि मैं बताना क्या इसमें 11 सेंटीमीटर पानी
इसमें पानी का लेवल 11 सेंटीमीटर करने में कैपेबल हूं, बताना क्या इसमें 11 सेंटीमीटर नहीं, इसमें यदि मैंने देखो इसकी पूरी क्षमता का प्रयोग कर लिया है मैंने, इसकी पूरी क्षमता का प्रयोग कर लिया है, अब यदि मैं 11 सेंटीमीटर पानी देता हूं तो वो इसमें नहीं रुकेगा, इसमें तो नहीं रुकेगा, इसमें लास्ट कितना रह सकता है पानी लेवल के हिसाब से 10 सेंटीमीटर, इसमें 8 सेंटीमीटर रह सकता है, 6 रह सकता है, ठीक है, लेकिन लास्ट 10 रह सकता है। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि सपोज करो ये इसकी लास्ट कैपेसिटी है 10 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, 10 वोल्ट। अब यदि मैं इसके बाद चार्ज दूं इसमें सपोज करो, तो ये वाला जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो लीक हो जाएगा। कल लीकेज बताई थी, कोरोना डिस्चार्ज, अपने आसपास के इलेक्ट्रिक फील्ड को फाड़ के चार्ज फील्ड एयर में लीक होने लग जाता है। किसी कंडक्टर में उसकी औकात से ज्यादा यदि चार्ज दो तो वो क्या करता है, ठीक है, वो क्या करता है, अपनी सराउंडिंग का, अपनी सराउंडिंग को डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन सिचुएशन पे ले आता है और अपना चार्ज फिर उसको दे देता है। तो सपोज करो ये वो सिचुएशन है कि जब मैंने किसी कंडक्टर की पूरी क्षमता का प्रयोग कर लिया, जैसे इस साइड का पूरी क्षमता का प्रयोग कर लिया, जितनी इसकी कैपेसिटी थी उतनी हाइट तक पानी दिया, सपोज करो ये 10 वोल्ट से ज्यादा मना कर रहा है कि भैया मैं 10.5 नहीं करूंगा, लीक कर दूंगा नहीं तो, सोच ले तू तो। चलिए अब हमें क्या लग रहा है कल कि यार इसकी कैपेसिटी इतनी है ना, लेकिन अब आगे कहानी में ट्विस्ट, यदि आप देखना वो इंजीनियरिंग माइंड क्रिएटिविटी, जैसे क्या थी क्रिएटिविटी इसमें कि मैं इसको यदि इधर खिसका हूं, पानी कम हुआ नहीं, लेवल डाउन हो गया, और इधर लेवल डाउन हुआ कैपेसिटेंस बढ़ गया। तो अब इसमें कैसे करेंगे, स्टेप सेकंड, ये रहा इसका नाम ये है बेटा ए, प्लेट ए, प्लेट ए, इस पर चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, चार्ज वही, कितना पोटेंशियल है इसका भी 10 वोल्ट, इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है। मैं इसके पास एक दूसरी जुड़वा बहन लेके आ गया, इसके पास, बस इसके पास ले आया एक प्लेट, ये रही ए, इसके पास एक दूसरी जुड़वा बहन ले आया, इसके पास इसकी रेंज में, या ये कहिए पहले फिगर में ये प्लेट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, ये वाली प्लेट इस फिगर में इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, ऐसे समझ लो, इनफाइनाइट दिख नहीं रहा मेरा दूसरा हाथ, लेकिन अगले फिगर में मैं इसे खिसका के ले आया, बिल्कुल जुड़वा बहन है। अब इस प्लेट का नाम है बी। अब जैसे ही ये इसकी रेंज में आएगी तो बेटा नॉट टच कर नहीं रहा हूं मैं, तो नॉट टचिंग ओनली सीइंग। बताइए यदि किसी रॉड को किसी कंडक्टर के पास ले आऊं तो ध्यान है ना, इंडक्शन होता है, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव आ जाता है। और ये भी मैंने बताया है कि यदि ये कंडक्टर है तो जितना मैग्नीट्यूड का चार्ज ये है उतने ही मैग्नीट्यूड का चार्ज डेवलप होगा इस पे। ये मेरे नोट्स वो देखना चार्जिंग भाई इंडक्शन में, यदि वो भूल गए हो तो वो वाली वीडियो देख लेना, चार्जिंग भाई इंडक्शन वाली। तो चलिए बेटा अब इसमें क्या होगा, जैसे मैं मेटल प्लेट भी इसके पास लाया तो इस साइड तो नेगेटिव चार्ज, जैसे ये 2 कूलम चार्ज है, इमेजिन कर लो 2 कूलम है, तो इधर -2 कूलम चार्ज, तो इधर +2 कूलम चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब इस सीन को थोड़ा सोचिए, पहले मैं इस प्लेट को पहले जैसे ही बगल में लाया, प्लेट बी को इसके पास लाया, यहां पे वो प्लेट बी का है, प्लेट बी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, जिसकी वजह से इसका प्रभाव बी पे नहीं पड़ रहा। अब पास ले आया, तो पास लाते ही इस पर जितना प्लस क्यू था इसकी एक साइड पे नेगेटिव और एक साइड पे पॉजिटिव आ चुका। अब पता है क्या होगा, यदि मैं आप कहता हूं कि अब ए का पोटेंशियल निकालो, अच्छा यहां पे मैं कह रहा हूं ए का पोटेंशियल निकालो, तो ए का पोटेंशियल सिर्फ ए का पोटेंशियल है, इसके चारों ओर कोई है ही नहीं, इस जगह सिर्फ ए का पोटेंशियल है। लेकिन यदि मैं कहता हूं अब इस पे ए का पोटेंशियल निकालो, ए का पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, तो अब इस पॉइंट पर इसका भी पोटेंशियल होगा, इसकी नेगेटिव साइड की भी खुशबू आएगी। पता है यहां सिर्फ एक अगरबत्ती जल रही है, एक अगरबत्ती जल रही है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज, तो सिर्फ इसकी खुशबू आएगी। लेकिन अब इस पॉइंट पर 3 लोगों की खुशबू आ गई, खुद की खुशबू तो थी ये वाली, एक इस नेगेटिव की खुशबू आएगी, एक इस पॉजिटिव की भी खुशबू आएगी, और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। यदि एक सिंपल सा सीन याद दिलाऊं मैं आपको, एक सिंपल सा, एक मिनट पहले इसको साइड में कर दूं ये, हाँ एक सिंपल सी चीज याद दिलाऊं, एक न्यूमेरिकल बेटा, यदि ये कंडक्टर है तो पॉइंट चार्ज है +Q +4 कूलम है ना,
बताइए आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, मैंने आपसे कहा इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो, सिंपल के क्यू अपॉन आर लगाओगे हो जाएगा। लेकिन यदि मैं यू कहता हूं अगली सिचुएशन बिना पलक झपकाए देखना, अभी इसकी वजह से यहां पोटेंशियल निकाल दिया, लेकिन यदि यहां पर मैं -3 कूलम और रख दू, इमेजिन करो -3 कूलम, ठीक है माइनस, तो अब मैं कहता हूं इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो, तो अब जब इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकलेगा तो केवल इस टॉर्च की रोशनी नहीं पहुंच रही वहां पे, इसकी भी रोशनी पहुंच रही होगी, इसकी खुशबू प्लस इसकी खुशबू। ये कौन सा फॉर्मूला है, k q1 q2 अपॉन ना 2 q2 के नहीं आएंगे। अब बताइए इस पॉइंट पे जब आप पोटेंशियल निकालोगे तो क्या केवल इसका पोटेंशियल मौजूद है, इस पॉइंट पे जब नेट पोटेंशियल निकालोगे तो इसका भी पोटेंशियल प्लस इसका भी पोटेंशियल, और मान लो एक चार्ज और आ जाए यहां पर, एक चार्ज और आ जाए मान लो +7 कूलम। अब मैं आपसे कहूं इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो तो इसका भी इसका भी इसका भी, तो जब मैंने आपसे यहां का यहां पोटेंशियल निकालो तो सिर्फ इसी का था, सिर्फ इसी का था। लेकिन अब मैं कहता हूं प्लेट ए का पोटेंशियल निकालो, तो भले ही प्लेट ए का मतलब पॉइंट ए का, तो पॉइंट ए पर 3 लोगों का प्रभाव है, खुद प्लेट ए का, प्लेट बी की नेगेटिव वाली साइड का, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल होता है। तो चलिए बेटा प्लेट ए का पोटेंशियल +10 वोल्ट, देखिए ये है खुद ए का ड्यू टू ए इटसेल्फ प्लस, समझाता हूं, अरे अब ये तो पोटेंशियल निकालने जा रहा हूं, यहां पे ए का पोटेंशियल कितना था, लेट से ए का पोटेंशियल था +10 वोल्ट, अब यहां पर प्लेट ए का पोटेंशियल तो +10 वोल्ट जो इसने खुद बनाया था अपना, प्लस मान लो -8 वोल्ट और +6 वोल्ट, ये क्या चीज है, ड्यू टू नेगेटिव साइड ऑफ बी, ड्यू टू नेगेटिव साइड ऑफ बी, और ये ड्यू टू पॉजिटिव साइड ऑफ बी, ये ड्यू टू नेगेटिव साइड ऑफ बी, मतलब इस पॉइंट पर यदि पोटेंशियल निकालना है तो 3 लोगों का हो गया, खुद का तो 10 वोल्ट था इस वाले फिगर में, इसी जगह पर इस नेगेटिव अगरबत्ती की भी खुशबू आ रही होगी, मान लो इस अगरबत्ती की खुशबू यहां पे -8 वोल्ट आ रही है, तो नेगेटिव वाली साइड है ना, नेगेटिव वाली साइड है, और फिर प्लस इसकी इधर जो पॉजिटिव साइड है उसकी भी खुशबू इधर आ रही होगी, तो +6 वोल्ट, नेगेटिव साइड का नेगेटिव पोटेंशियल होता है, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। अब आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा ये आएगी, सर आपने इसका -8 और इसका +6 मतलब मैग ऐसा क्यों लिया, ऐसा क्यों लिया। बेटा अभिषेक कह रहा है सर चार्ज सेम है तो पोटेंशियल सेम होना चाहिए, सुन बेटा चार्ज सेम है लेकिन इस ये जो चार्ज है, एक मिनट एक चीज, कभी कभी अपनी बुद्धि लगाया करो बेटा, मान लो बेटा ये +4 कूलम चार्ज है ना, और मैं आपसे कहूं यहां पोटेंशियल निकालो, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल निकालो, निकाल दिया। अब मैं कहता हूं एक और +4 कूलम चार्ज आ गया, अब बताइए पॉइंट पी पे, अच्छा एक मिनट, -4 कूलम आ गया, -4 क्या पॉइंट पी पे पोटेंशियल जीरो होगा, जल्दी बताओ क्या पॉइंट पी पे पोटेंशियल जीरो होगा, अभिषेक जल्दी बता, अभिषेक बताएगा जिसका क्वेश्चन, अरे भाई नहीं होगा ना, बताओ क्यों, क्योंकि डिस्टेंस भी तो मैटर करेगी, इसका पोटेंशियल आप ये देखिए मैं क्या कह रहा हूं, इसका पोटेंशियल ए पे निकाल रहा हूं, तो ए पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल तो खुद प्लेट ए का ही होगा, प्लेट ए का ही सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा, अब ए पर इसका पोटेंशियल निकाल रहा हूं, ए पर निकाल रहा हूं, पॉइंट ए पर, तो अब आप बताइए भले ही चार्ज सेम है लेकिन इस चार्ज का इसी जगह पोटेंशियल और इस चार्ज का थोड़ी दूरी पर पोटेंशियल, बताइए ये सबको समझ में आ गया कि नहीं, कि +10 वोल्ट -10 वोल्ट नहीं होगा इसका, समझ में आया है नहीं आया, कि इसका +10 वोल्ट है तो इसका -10 वोल्ट, नहीं आया कि नहीं है समझ में, क्योंकि ना ना लिखा है तूने, अच्छा यस ओके, हाँ अभिषेक जल्दी बोल, समझ में आया अभिषेक जल्दी बोल, अभिषेक जब आप क्वेश्चन पूछते हो ना, जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो अपने उंगलियां कीपैड पे रखा करो तुरंत, ठीक। चलिए अब आ जाइए, जय आपको शायद नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि आप पोटेंशियल वाले टॉपिक पे नहीं थे, पोटेंशियल वाले टॉपिक पे नहीं थे, फिर तो मैं यही कहूंगा क्या कहते हैं पोटेंशियल वाले टॉपिक को जाके, बेटा कोई रेड नेटवर्क नहीं आ रहे,
मेरे यहां पर दूसरी रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। हाँ जय बेटा, पुराने वीडियो रिकॉर्डिंग में किसी को नहीं देना, वहां जाके यूट्यूब पर देखो और वॉच टाइम बढ़ाओ मेरा, वॉच टाइम, ठीक है। हाँ तो देखिए बेटा, तो अभिषेक जल्दी बता, एक बार ऑपरेशन करूंगा। तेरा क्वेश्चन था, समझ में आ गया? मुझे नहीं याद कि तूने क्या रिप्लाई दिया था, भूल गया मैं। तूने ये बोला था सर चार सेम है तो पुडिंग से सेम होना चाहिए, ठीक है। वो इसलिए नहीं होगा, इसीलिए नहीं होगा। अच्छा यदि बीचों बीच कोई पॉइंट होता, यदि कोई बीचों बीच कोई पॉइंट होता, कन्हैया टू, आप क्यों जिद पकड़ लेते हो कि रेड है रेड है? इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं आपके सामने, पूछा मैंने, है ना बेटा, मेरी वीडियो ऑडियो में कोई दिक्कत आ रही है? ये बताओ, ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही, किसी को नहीं आ रही। आपको मेरे रेड सिग्नल दिखा रहे हैं, आई डोंट नो क्यों दिखा रहे हैं। मैं यहां दूसरी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, यहां की बजाय यहां आ रही है, तो इसका मतलब ये तो उसी नेटवर्क से आ रही है ना। अब थोड़ी देर के बाद कन्हैया फिर टाइप करेगा, सर आपके रेड नेटवर्क आ रहे, सर आपके रेड नेटवर्क आते हैं। चलिए अब प्लीज सुनिए मेरी बात। हाँ अब बेटा देख अभिषेक, एक चीज, यदि मैं तुमसे कहता यहां पे नेट पोटेंशियल निकालो, यहां पर बीचों बीच, तो अभिषेक इसकी वजह से जितना यहां पॉजिटिव पोटेंशियल होता, इसकी वजह से यहां पे भी उतना ही नेगेटिव होता उसी पॉइंट पे, तो दोनों के बराबर होते, ठीक है दोनों। लेकिन मैं यहां निकाल रहा हूं, गौर से देखो, प्लेट ए पर पोटेंशियल निकाल रहा हूं, तो प्लेट ए पर खुद का तो 10 वोल्ट पहले से ही था, खुद की वजह से 10, लेकिन ये लिखा है ना -8 वोल्ट +6 वोल्ट, दो वोल्टेज और आ गए, सुपर इम्पोज हो गए दो, एक नेगेटिव वोल्टेज सुपर इम्पोज हो गया और एक पॉजिटिव। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि आपने सर घटाया ज्यादा और बढ़ाया कम, आपने नेगेटिव वाले को थोड़ा सा ज्यादा रखा है, थोड़ी इज्जत ज्यादा दी है पॉजिटिव वाले को, वो थोड़ी सी मैंने डिस्टेंस का भी याद रखा है। पॉइंट ए पर इस वाली का इफेक्ट ज्यादा होगा, इस वाली साइड का इफेक्ट थोड़ा कम होगा, क्योंकि वो थोड़ी पल्लंग है, थोड़ा दूर तो है ही। जो पॉजिटिव का देखो मैंने क्या लिखा है, -8 वोल्ट किसका कंट्रीब्यूशन है, ड्यू टू नेगेटिव साइड ऑफ बी, और ये +6 वोल्ट किसका कंट्रीब्यूशन है, ड्यू टू पॉजिटिव साइड ऑफ बी, थोड़ा सा अंतर तो है। अरे वेदर पे वेट कर, वेट एंड वॉच अभी समझ में आ जाएगा। अच्छा इसको ज्यादा से ज्यादा आप ये लिख सकते, मैंने लेट किया है बेटा, आप +7.9 कर सकते हो, अब तो ठीक है। अच्छा वेदर अब ठीक है कि -8 वोल्ट +7.9, अब तो ठीक है, जल्दी बोलो -8 वोल्ट और उधर का +7.9, क्योंकि -8 वोल्ट अब तो मान सकते ना, इतना तो मान सकते हैं। चलिए तो बस मैंने उसको थोड़ा -8 और 6 कर दिया और कुछ नहीं। अब बताइए इसका मतलब ए का जो नेट पोटेंशियल आ रहा है वो कितना आ रहा है, अब कितना आ रहा है, 10 में 10 और 6 16 8 8 वोल्ट। सबसे पहले यहां ये फिजिक्स सीखना जरूरी है कि इस सिनारियो में ए का वोल्टेज 10 था और इस सिनारियो में ए का वोल्टेज 8 यानी घट गया, दैट इज घट गया। ये बात, और मैंने देखो पोटेंशियल घटा, इसमें से पानी का लेवल 10 सेंटीमीटर है, इसका लेवल घटाने का एक तरीका हो रहा है कि मैं लोटे में से पानी निकाल दूं, बोलो लोटा अंदर डुबो और पानी निकाल के बाहर फेंक दो, लोटा डुबो पानी बाहर फेंक दो, लेकिन उस केस में तो पानी भी कम हो रहा है ना भाई, यदि मैं लोटा डाल के पानी निकाल के बाहर फेंक दू नो डाउट लेवल कम हो जाएगा, लेकिन लेवल कम होने के साथ तो आप सोचो आपने पानी से भी तो कॉम्प्रोमाइज कर ही दिया, आपके पानी भी तो कम हो गया। लेकिन अब आप बताइए, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड पर आते आते प्लेट ए का मैंने साइज नहीं बढ़ाया, उसको छुआ भी नहीं मैंने, बस उसके साथ मैंने एक दूसरी प्लेट बगल में रख दी, उस जैसी जुड़वा, उस प्लेट के आने के बाद एक फिजिक्स ये हुई कि इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो गई, जिसकी वजह से पॉइंट ए पर पोटेंशियल केवल खुद का नहीं रहेगा, इसका भी पोटेंशियल रहेगा। आ गया समझ में ये चीज? अच्छा आप ऐसे समझो, यदि एक मैच हो रहा है, स्टेडियम में मैच हो रहा है और कोरोना की वजह से स्टेडियम में ऑडियंस नहीं है, बल्लेबाज खेल रहा है, तो उसका खुद का मोटिवेशन उसको बैट्समैन को खिलवाता है, यार मुझे रन बनाने हैं, मुझे चौके मारने हैं, छक्के मारने हैं, ये अकेला प्लेयर खेल रहा है। लेकिन सपोज करो उस स्टेडियम में ऑडियंस भी अलाउ कर दी जाए,
ऑडियंस भी अलाउ कर दी जाए, ठीक है। अरे रुक जा बेटा, तसली रख, जय जय तुझे तसली रख, करवाऊंगा पानी से भी रिलेट करवाऊंगा इसको मेरा एग्जाम्पल। हाँ तो और ये अकेला बल्लेबाज पिच पे टिका हुआ है, अकेला है, खुद का मोटिवेशन ही उसको चौके छक्के लगवा रहा है, लेकिन यदि उस स्टेडियम में ऑडियंस भी अलाउ कर दी जाए तो पता है उसमें ऑडियंस भी, ऑडियंस पिच पे तो आती नहीं है बल्लेबाज के, लेकिन चीयर अप करती है, सचिन सचिन करती नहीं करती सचिन, लेकिन उस ऑडियंस में अपोजिट टीम वाली ऑडियंस भी तो होती है, अपोजिट तो है ना, तो ये ऑडियंस आ गई इसके पास में, इसके पास में एक ऑडियंस आ गई जिसमें डिमोटिवेट करने वाली ऑडियंस भी है और मोटिवेट करने वाली ऑडियंस भी है या नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाले ने डिमोटिवेट ज्यादा कर दिया, ये मान के चलिए उनकी आवाज थोड़ी तेज आ रही थी, वो थोड़े से साउंड में ज्यादा आ गई, मतलब दम लगा दी उन्होंने, है ना, और पॉजिटिव ऑडियंस की थोड़ी कम आई, थोड़ी बहुत कम आई, ठीक है। तो अब बताइए तो ओवरऑल उसका पोटेंशियल डाउन हो गया या नहीं हो गया, जल्दी बोलो। सबसे पहले आपको ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ये चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो आप तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये क्रिस्टल क्लियर हो गया और उसका पोटेंशियल डाउन करने में कामयाब हो गए। आइए बेटा मुझे ये बताइए, क्या इस सिचुएशन में प्लेट ए का चार्ज कम हुआ है क्या, प्लेट ए का चार्ज कम हुआ है क्या? नहीं, ए के चार्ज को तो हमने छेड़ा ही नहीं है। तो गौर से देखिए, चार्ज तो एज इट इज रहा है, लेकिन मैं पोटेंशियल कम करने में कामयाब हो गया हूं या नहीं, पोटेंशियल कम करने में कामयाब हो गया हूं बेटा, इसका पोटेंशियल कम करने में कामयाब हो गया हूं, तो फिजिक्स ये है पक्का, कैपेसिटेंस बढ़ेगी, कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो, यानी ये और ये साइज में जरूर एक से है, साइज में जरूर एक से है ये, ठीक है, लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ गई, कैपेसिटेंस बढ़ गई। कहानी में भी एक और ट्विस्ट, एक और ट्विस्ट, स्टेप थर्ड, जिसने इंजीनियरिंग अप्रोच से इस सेकंड स्टेप को सोचा, उसने सोचा साला ये तो मजा आ गया, इस नेगेटिव ने जो घटाया है पोटेंशियल, मैं बताता हूं, अच्छा कन्हैया ये टाइप कर रहा है, अच्छा प्लेयर की कैपेसिटी बढ़ गई कम मोटिवेट करने, आप ऐसे समझो कुछ प्लेयर विराट कोहली जैसे होते हैं, साला जब उनको कोई छीटा घसी करता है ना तो उनका जोश और निकल के आता है, ऐसे समझो। कन्हैया कह रहा है सर नेगेटिव वालों ने किया तो उसकी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ गई, नेगेटिव वालों ने यदि नेगेटिव वालों ने ज्यादा मोटिवेट किया तो कभी कभी ना प्लेयर ऑडियंस को मजा चखाने के लिए भी खेल जाता है, सारा तुम्हें तो मैं देखता हूं, है ना, ठीक है। तो भाई अब हर चीज को उससे कनेक्ट मत करो, मत करो कनेक्ट, ठीक है, क्योंकि अब देखिए, अब इस वाले स्टेप को यदि आपने आपने ढंग से देखा तो आप एक चीज देखोगे, ठीक है, आप देखोगे एक चीज कि घटने का ज्यादा फायदा हुआ है, या देखो ये पहले अकेला था अभिमन्यु की तरह, फिर इस पे कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव भी सुपर इम्पोज हुआ, नेगेटिव ज्यादा पॉजिटिव कम हुआ, तो अब इस चीज का बेनिफिट मिला है हमें या नुकसान हुआ है, इस प्रोसीजर का बेनिफिट मिला है या नुकसान हुआ है, बेनिफिट हुआ है ना, इसने बेनिफिट इस इफेक्ट में, देखो ये जो इफेक्ट है ना, इसने पोटेंशियल को डाउन करने की कोशिश करी, लेकिन साला इसने पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश, यानी ये एक तरीके से ये वाली जो चीज है, ये वाली, ये हमारी अप्रोच में टांग अड़ा रहा है साला, ये जो साइड आ गई, साला हम तो ये चाहते थे सिर्फ घटे, बोलो सोच के देखो, यदि इंजीनियरिंग माइंड लगाए तो साला इसका फायदा हो रहा है और इसका नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस वाली चीज का, ये जो चीज सुपर इम्पोज हुई है, इसने तो हमें फायदा कर दिया है, साला इसने रायता फैला दिया, हम तो मेहनत करके पोटेंशियल कम कर रहे हैं, ये साला ये, तो हमारे पास तीसरा स्टेप देखिए, तीसरा स्टेप, हर्ष पहचान गया बेटा, वेरी गुड हर्ष, यही माइंड चाहिए बेटा हर्ष, आगे देखिए, ये रहा हमारे पास प्लेट ए, प्लेट ए, प्लेट ए, ये तो एज इट इज पड़ी हुई है प्लेट ए, ये रही प्लेट ए, इसके पास प्लेट बी थी नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, ठीक है। अब मैंने कहा हाँ, कई लोगों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड निकुंज, मैंने बेटा इधर मुंह रहा होगा तो मेरे सबके नाम नहीं बोल सकता, और ये बिल्कुल बिल्कुल चेतन भी। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैंने ये वाली साइड अर्थिंग कर दी, अब अर्थिंग भी मैं पढ़ा चुका हूं, इसलिए यहां तक आने के लिए, अच्छा वेरी गुड, यहां तक आते आते मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करके लाया हूं, चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन सब पढ़ा चुका हूं। अब मैंने ये वाली साइड अर्थिंग कर दी, अर्थिंग क्या करती है, नंगा कर देती है, तो ये पॉजिटिव साइड को न्यूट्रलाइज कर देगी, ये चला जाएगा, अच्छा ये नहीं जाएगा,
याद करो इंडक्शन में ये क्यों नहीं जा पाया, मन तो इसका भी कर रहा है, मन तो इसका भी कर रहा है अर्थ में घुसने का, लेकिन इसकी अट्रैक्टिव फोर्स से बंधा हुआ है, इसकी अट्रैक्टिव फोर्स से ये बंधा हुआ है। इस प्लेट को यदि वापस इनफाइनाइट पे ले जाओगे, इस प्लेट को यदि वापस इनफाइनाइट पे ले जाओगे, ये भी चार्ज घुस जाएगा अंदर जमीन में। लेकिन फिलहाल अब आप फिर से यदि मैं कहता हूं ए का पोटेंशियल निकालो, तो यदि मेरी बात को ऐसे ही समझ जाओ तो ऐसे ही समझ जाना, ऐसे ही समझ जाना। सुनिए अब मैं कहता हूं ए का पोटेंशियल निकालो, तो अब ए का पोटेंशियल बताना इस केस में मैं डायरेक्ट लिख दूं, दो वोल्ट रह जाएगा, सोच के बताओ प्लस का दो वोल्ट कि आ गया समझ में या नहीं आ गया, क्योंकि ये यदि समझ में आ रहा है तो आपको यानी ये स्टेप भी समझ में आ चुका है। यदि आपको ये समझ में आ गया कि ए का वोल्टेज दो वोल्ट रह गया है, तो इसका मतलब ये लाइन आपको समझ में आ गई, क्योंकि अब ए का वोल्टेज दो इसलिए रह गया, खुद का प्लस 10 वोल्ट, इसका माइनस 8 वोल्ट का कंट्रीब्यूशन, और इसकी इस साइड का जो कंट्रीब्यूशन है वो 0 वोल्ट है, बस अब 0 वोल्ट का कंट्रीब्यूशन है, 0 वोल्ट ए इक्वल टू प्लस 2 वोल्ट। अब बताइए हमें यहाँ पे फिजिक्स ये पढ़ाई थी सबने, प्रिंसिपल ये पढ़ाया था, जो एटीट्यूड था कि साला पोटेंशियल कम करना है क्योंकि पोटेंशियल कम होगा, और लेकिन ध्यान रखना पोटेंशियल कम, पोटेंशियल दो तरीके से कम होता है, जैसे इसमें से पानी निकाल दूं थोड़ा लोटा लेके, और है ना, लेकिन लोटा लेके पानी निकाल के बाहर फेंकना ये सही एटीट्यूड नहीं है, क्योंकि उससे पानी भी तो कम हो जाएगा। तो मेन चीज याद रखना चार्ज को कॉन्स्टेंट रख के, चार्ज को कॉन्स्टेंट रख के पोटेंशियल डाउन करना है। तो इस वाले स्टेप में हमने पोटेंशियल डाउन कर दिया, इसमें और ज्यादा डाउन कर दिया, और ज्यादा। तो अब आप बताइए इन ए ए ए किस केस में ए की क्षमताएं बढ़ चुकी हैं, स्टेप फर्स्ट सेकंड थर्ड, किस केस में प्लेट ए की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, थर्ड केस में, थर्ड केस में, जबकि प्लेयर वही है वो, ना हमने उसका साइज बढ़ाया ना कोई, केवल उसके बगल में, देखो एक चीज उसके बगल में, उसके बगल में कैसे भी करके एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट रखी हुई है, कैसे भी करके हमने रखी हुई है, तो इससे उसका पोटेंशियल डाउन हो जाएगा, पोटेंशियल डाउन होने से उसके कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अच्छा इस बात को मैं एक और एग्जांपल से, यानी यदि मैं इस बीच वाली दीवार को इधर खिसका रहा हूं तो क्या हो रहा है, बीच वाली दीवार को खिसका रहा हूं तो पोटेंशियल डाउन हो रहा है, पानी तो कम नहीं हो रहा ना, पोटेंशियल डाउन हो रहा है, पानी तो कम नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए अब आ जाओ, एक मिनट, हाँ तो ये क्या, अब देखिए इस अरेंजमेंट में इसमें चार्ज कम नहीं हुआ है बेटा, इसमें चार्ज कम नहीं हुआ है, देखो क्योंकि ए का चार्ज हमने लीक होने से भी बचा लिया, देखो गौर से चार्ज कम नहीं हुआ है, क्या कह रहे बेटा, अरे मैं मुद्दे पर बाद में आऊंगा, आप आगे क्यों बढ़ते हो बेटा, बिल्कुल रिज्वाइन, एक बार नहीं 3 बार रिज्वाइन करनी है आज तो, रिज्वाइन करनी है। हाँ तो क्या कह रहा हूं मैं, ये था बेटा इस अरेंजमेंट को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं, इस पूरे अरेंजमेंट को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं, क्योंकि दो प्लेट है, दो प्लेट है, ये जो दो प्लेटें हैं, कन्हैया कौन सी बुद्धि लगा रहा है, हाँ ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो दोनों चार्ज कैंसिल, लेकिन ये टच थोड़ी नहीं होंगे जो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, हम इसमें इसके पॉजिटिव का भी मजा ले सकते हैं, इसमें नेगेटिव का भी मजा ले सकते हैं, ऐसे तो बैटरी में भी प्लस और माइनस होते हैं, नेट पोटेंशियल 0, खत्म कहानी। एक मिनट, कल ताजा समाचार ये है कि कल 10 लोग अखबार और न्यूज आ रही है आज तक में कि कल 15 लोग मरे लेकिन 15 लोग पैदा हो गए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, देश में सब बढ़िया चल रहा है, मजे में सब बढ़िया चल रहा है, टेंशन मत लो। ये क्या बात हुई, कोरोना से कुछ लोकेशन पे मर तो रहे हैं ना, कि नहीं नहीं कुछ जगह जिंदा भी तो हुए हैं, ठीक है। अरे दूसरा कन्हैया, दूसरा कन्हैया 2, हाँ ये क्लियर कर देता हूँ, कन्हैया 2। हाँ तो अब देखिए इस अरेंजमेंट को बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि इस अरेंजमेंट में दो प्लेटें पैरेलल रखी हुई हैं, पैरेलल हैं दो प्लेटें, बुद्धि में आया बेटा जल्दी बोलो, दो प्लेटें पैरेलल हैं। वैसे तो हमारे पास जैसे जैसे आप, और हमारा ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये डिटेल टॉपिक है, डिटेल में है ये टॉपिक, तभी मैं इतना डिटेल में लेके आया हूं। वैसे बाजार में कई सारे के कैपेसिटर है हमारी फिजिक्स में, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटर बोल रहा हूं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, बहुत सारे कैपेसिटर है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है,
चलिए इस फिजिक्स को मैं और आगे बढ़ाता हूं, इस मीटिंग को लेफ्ट करते हैं फिर दूसरी चालू करते हैं, ठीक है? एक मिनट, इसको लेफ्ट करते हैं दूसरी कनेक्ट करते हैं। बगल में है ये, इसको छुआ नहीं लेकिन फिर भी इसके बगल में आने से, जैसे कभी कहते हैं ना कोई अदृश्य शक्ति हमें मोटिवेट कर देती है, तो इसके इसको छुआ नहीं लेकिन इसके बगल में आके इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी। होप कि आपको समझ में आ गया। अब गौर से सुनना, ये जो अरेंजमेंट है उसमें हमारा जो हमें जो चीज पकड़नी है वो ये कि ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। अच्छा, इस पूरे पे कितना चार्ज है दोनों साइड मिला के? प्लस क्यू चार्ज है बेटा। देखो इस पे दोनों साइड मिला के प्लस क्यू है, ठीक है? और इधर उतना ही माइनस क्यू आ गया था, इधर प्लस क्यू चार्ज था, इधर माइनस क्यू और इधर प्लस क्यू आ गया था, लेकिन प्लस क्यू तो डिब्बे वो अर्थ में चला गया। तो बताइए इस वाली साइड पे कितना चार्ज है? हाँ, इस वाली साइड पर प्लस क्यू, मतलब इस पूरी प्लेट पे प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू चार्ज है। अब मैं आपको एक और दुनिया में ले जाता हूं, वो एग्जाम में, देखो एग्जाम में तो इतना डिटेल में आना नहीं है, खुशी की बात, इतना सारा डिटेल में एग्जाम में नहीं आएगा, बस आपको ये प्रिंसिपल लिखना है, बस ये प्रिंसिपल लिखना है और स्टेप फर्स्ट के बाद स्टेप थर्ड को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि सेकंड स्टेप तो मैंने वैसे ही समझाने के लिए बोल दिया था। अरे जब हमारे पास एक बार बताओ विंडो 98 आई, एक्स फिर एक और आई थी विंडो के बाद, है ना ये, तो जब तुम्हारे पास लेटेस्ट वर्जन मौजूद है तो हम बीच की कहानी क्यों बताएंगे? हमने सीधे ही बीच, भाई विंडो 98 थी, विंडो फिर एक्सपी भी आई है, अब जब हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है तो हम बीच की कहानी क्यों एक्सप्लेन करें? तो इसलिए पेपर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बेसिक प्रिंसिपल आए तो आपको सीधे ये एक्सप्लेन करना है कि किसी किसी प्लेट के पास यदि अनचार्ज, अच्छा जब ये लाए थे तो ये अनचार्ज थी, जब हम इसे लाए थे बी को तो अनचार्ज थी, तो सुनिए किसी प्लेट के पास, किसी चार्ज प्लेट के पास यदि मैं अनचार्ज और अर्थ कंडक्टर लेके आऊं, बताना प्लेट तो ये थी, इसके पास में यदि किसी, सीधे फर्स्ट के बाद थर्ड को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हमारे पास अच्छा तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, अपग्रेड हो चुके हैं हम, तो किसी चार्ज प्लेट के पास अनचार्ज अर्थ कंडक्टर ले आऊं तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, ठीक है? अब आ जाइए, अब इसी फिगर को अचीव करने के लिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, वैसे नोट्स में सब मौजूद है, ठीक है? इसी फिगर को दोबारा से समझा रहा हूं लेकिन एक नए अंदाज से, हम ये वाला फिगर एक और तरीके से अचीव कर सकते हैं। होप कि आपको मेरा ये वाला एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा, इसके साथ पूरा कनेक्ट था कि कैसे इसको आगे बढ़ाने पर लेवल डाउन करके हमने कैपेसिटेंस बढ़ा दिया। अब देखिए ये भी मेरे पास दो पूरी तरीके से अनचार्ज प्लेट, नोट्स स्प्लिट हो सके तो नोट्स को देखिए, अनचार्ज है दोनों, खाली प्लेट है, प्लेट का नाम ए और प्लेट की तरह सोचना है बेटा, प्लेट की तरह ही सोचना है। अब आपको मैं बता चुका हूं प्लेट की तरह सोचने का क्या फायदा होता है, ठीक है? एक प्लेट का नाम है ए और एक बी, बताइए इस समय ए का पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट। इस समय प्लेट ए का वोल्टेज है 0 वोल्ट और प्लेट बी का भी पोटेंशियल है 0 वोल्ट। ना बाबा आवेगा ना घंटा बाजेगा, ए पर कोई चार्ज नहीं है तो ए पर कोई पोटेंशियल भी नहीं है, बी पे कोई चार्ज नहीं है तो बी का भी कोई पोटेंशियल नहीं है, ठीक है दोनों। अब क्या करिए बेटा, ये जो प्लेटें हैं ए और बी, इसको किसी भी बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, बैटरी जो सेल होते हैं ना, देखो सेल ऐसा होता है, देखा ना बैटरी वाला वो घड़ी वाला सेल ऐसा होता है सेल, बस इसको ऐसे ना बना के इसको सिंबल ऐसे बनाते हैं, सेल होता है ऐसा है पर सिंबल ऐसा, और सेल तो तरीके तरीके के भी होते हैं, ठीक है? हर सेल में एक प्लस, तो इसको मैंने एक बैटरी से लगा दिया 10 वोल्ट की बैटरी से, सपोज करो एक लेड करके समझा रहा हूं, मान लो मैंने एक 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट, इस फिगर में और इस फिगर में क्या अंतर है सुनिए, ये री प्लेट ए ये री प्लेट बी, इस प्लेट ये जो ऊपर वाला पहला फिगर था उसमें वो प्लेटें अकेली थी, लेकिन इस वाले फिगर में मैंने प्लेटों को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और सपोज करो ये एट टी इक्वल टू जीरो का फिगर है, अब तो टी इक्वल टू जीरो का मतलब समझ में आने लगा होगा ना, इक्वल टू जीरो का मतलब बैटरी अभी आपने कनेक्ट की ही की है, अभी आपने बैटरी कनेक्ट की ही की है, समझ में आ गया? जस्ट अब जो प्रोसीजर स्टार्ट होगा वो स्लो मोशन में समझाऊंगा, होगा तो बहुत जल्दी लेकिन बहुत अल्ट्रा स्लो मोशन में समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या होगा इसमें। मैंने दो अनचार्ज प्लेट बैटरी से कनेक्ट कर दी, अब बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी कितने वोल्ट की है 10 वोल्ट की, मेरा एक डायलॉग रटना, बैटरी का एक डायलॉग है, बैटरी जितने वोल्ट की होती है
उतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन भी करके ही मानती है। फिर से सुनो, बैटरी जितने वोल्ट की होती है उतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर देती है। फिर से सुनो, बैटरी जितने वोल्ट की होती है उतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है, डिफरेंस मेंटेन कर देती है। ठीक है, अब देखिए क्या अगली कहानी देखेंगे क्या हो गया। ठीक है, ये तो टी इक्वल टू जीरो की कहानी है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा चिल्लाफोन है नहीं कर रहा। ये रही मेरी प्लेट ए, ये रही प्लेट बी, बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्या करेगी बैटरी, बैटरी जो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है बैटरी का, जो पॉजिटिव से प्लेट जुड़ी है, ये जो प्लेट पॉजिटिव से जुड़ी है उस पर पॉजिटिव चार्ज आना चालू हो जाएगा और जो नेगेटिव से जुड़ी है वो नेगेटिव होनी चालू हो जाएगी। हो गई शुरू भैया, जो प्लेट पहले दोनों प्लेटें खाली थी, कुछ था ही नहीं, डिस्चार्ज थी, लेकिन अब प्लेट ए पे कुछ पॉजिटिव, प्लेट बी पे कुछ नेगेटिव क्यों अपीयर हो रहा है? क्योंकि प्लेट ए बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ी हुई है, प्लेट बी बैटरी के नेगेटिव से जुड़ी हुई है। तो प्लेट ए का वोल्टेज जीरो वोल्ट कहना आप बदतमीजी होगी। सपोज करो ए का वोल्टेज हो गया प्लस दो वोल्ट, कितना प्लस दो वोल्ट, क्योंकि और बी का पोटेंशियल हो गया माइनस दो वोल्ट, बी का पोटेंशियल हो गया माइनस। अब भैया पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल, ये प्लेट पॉजिटिव की ये नेगेटिव की हो गई, ये पॉजिटिव थी पॉजिटिव वोल्ट, ये नेगेटिव थी ये नेगेटिव वोल्ट। तो अब बताइए, यदि मैं अब आपसे कहता हूं, अच्छा अब मैं ये कहता हूं कि ए माइनस बी करिए, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। भैया जब ए के पोटेंशियल में से बी का पोटेंशियल घटाऊंगा तो ये डिफरेंस ही तो हुआ, तो बताइए कितना आ रहा है। आप बताइए, ये प्लस का चार वोल्ट आएगा, प्लस का चार वोल्ट आएगा बेटा, समझ जाओ क्यों आएगा, समझ जाओ ये चार वोल्ट। अच्छा इसमें बी ए माइनस बी भी करे तो वो जीरो वोल्ट है, जीरो में से जीरो घटाओगे, जीरो में से जीरो तो ये जीरो वोल्ट आएगा। इसमें मैंने क्या किया है, प्लस दो वोल्ट में से माइनस दो वोल्ट घटाया है, प्लस चार वोल्ट आया है। पहले बताइए ये तीसरा फिगर समझ में आ गया, पहला फिगर दो प्लेट है पैरेलल रखी हुई थी बस और कुछ नहीं था, फिर उन पैरेलल प्लेट को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, दिस इज एट टी इक्वल टू जीरो स्टेज। ये थोड़ी देर बाद की कहानी है, थोड़ी देर के बाद की कहानी है। ठीक है, अनचार्ज्ड ई की पावर आर क्या है, क्या लिखा है ई की पावर आर क्या लिख रहा है, ये क्या बोल रहा है देवराज नोट्स में, अच्छा नोट्स में एक मिनट में देखता हूं ये कुछ कह रहा है कि नोट्स में अनचार्ज देखो नोट्स खोल लीजिए, पहला फिगर दिख गया होगा अनचार्ज कंडक्टर है बेटा। अच्छा अच्छा सुनो सुनो सुनो, अच्छा समझ गया बेटा, ये आलसी बने के नोट है, ऐसी चीजें पूछ लिया करो, अनचार्ज कंडक्टर। आप कहोगे ये कैसा कंडक्टर लिखा हुआ है, देखो एक आलसी बने की लैंग्वेज मैंने ही सिखाया है, कुछ दिनों बाद हम इतनी बार कैपेसिटर कैपेसिटर बोलेंगे, कैपेसिटर ठीक है, सॉरी जैसे रजिस्टर है या कैपेसिटर, ठीक है तो रजिस्टर को पूरा नहीं लिख के ऐसे लिख देता हूं मैं रजिस्टर, ट्रांजिस्टर को ऐसे लिख देता हूं ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर को ऐसे लिख देता हूं। तो ये सी की पावर आ रही है, सुनो नोट्स में ये जो लिख रहा है ना रजिस्टर ट्रांजिस्टर ये कैपेसिटर लिखा हुआ है, तो उसने ठीक पकड़ा, यानी देवराज सही तमीज से पढ़ रहा है इसका मतलब। तो बेटा नोट्स में समझ में आ गया, ये अनचार्ज कैपेसिटर, ये जो फिगर है ये अनचार्ज है बेटा, क्योंकि सोचो ना ए पे चार्ज है ना बी पे चार्ज है, ना ए पे कुछ चार्ज है। ठीक है देवराज समझ में आ गया, देवराज समझ में आ गया या नहीं, ठीक चलिए अब आ जाइए। हाँ हाँ ये लेकिन स्टैंडर्ड मतलब हमारे आपके बीच में बात बन जाएगी, अब ये हम जब रजिस्टर कैपेसिटर आगे इंडक्टर आएगा, साला बार बार लिखने से बचने के लिए ये मेरे द्वारा बनाया गया कोड है ये, ठीक है ये स्टैंडर्ड कोड नहीं है, पर आप तो मेरे से ही पढ़ रहे हो, हमारे बीच में ट्यूनिंग बनाए रखना इसको। तो अब चलिए, इस समय ए और बी के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, अब भी कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही बैटरी ने अपना काम स्टार्ट किया, बैटरी ने अपना काम स्टार्ट किया, ठीक है बैटरी कितने वोल्ट की है 10 वोल्ट की, फिर से मेरा डायलॉग, बैटरी जितने वोल्ट की होती है उतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके मानती है, तब रुकेगी कहानी। बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। अच्छा अब अभी मैंने आपको सस्ती वाली चीज क्या बताई,
जो प्लेट पॉजिटिव से जुड़ रही थी वो पॉजिटिव हो गई, जो प्लेट नेगेटिव से जुड़ रही थी वो नेगेटिव हो गई। लेकिन पता है आपको एक चीज बताता हूं, सलमान खान एक्टिंग कर रहा है लेकिन स्टंट कोई और कर रहा है, ये बात मैंने एक दिन और बताई थी। असलियत में क्या हो रहा है वो ये देखिए, मैं यहां बता देता हूं असलियत में क्या होता है। ये जो बैटरी का पॉजिटिव होता है ना, ये इसमें से इलेक्ट्रॉन खींचता है भैया, पॉजिटिव है और कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉनों की कोई कमी नहीं है, अमीर आदमी है, इसमें से इलेक्ट्रॉन खींच के इसमें डाल देती है बैटरी। क्या करती है, इसमें से इलेक्ट्रॉन खींच के इसमें डाल देती है। अच्छा मैं और अच्छे से बताने की कोशिश करता हूं, एक और चीज बताने की कोशिश करता हूं, बताना मोटर क्या करती है, मोटर मोटर क्या काम करती है, मोटर पानी की, वो लेवल डिफरेंस मेंटेन करती है। लेवल डिफरेंस कैसे, समरसेबल मोटर ही तो होती है समरसेबल, जमीन का पानी ऊपर टंकी पे पहुंचा देती है। वो क्या करती है, जमीन से पानी खींच खींच के ऊपर पहुंचा देती है। तो बताना जो पानी जमीन पे था वो ऊपर पहुंच गया, तो लेवल डिफरेंस नहीं आ गया जो पानी, और सुनो जमीन पे भी नहीं होता पानी, तो पानी तो जमीन के अंदर होता है। सोचो जमीन का पानी उठा के ऊपर पहुंचा दिए, जमीन पे तो हम है, जमीन पे तो हम है, मोटर क्या करती है, जमीन के अंदर जो पानी है ना उसको खींच के ऊपर पहुंचा देती है। सोचो कितना डिफरेंस पैदा कर दिया उसने, कितना डिफरेंस। देखो जमीन पे तो हमें, ये जमीन, ये टंकी है और पानी ये ना, ये हम है, ये क्या है, पानी है और मोटर पानी पहुंचा रही है ऊपर। हम हाइट यहां से मेजर करना चालू करते हैं, हाइट हम यहां से मेजर करना चालू करते हैं जीरो। तो सोचो जो पानी यहां पहुंच गया, भाई जब हम जमीन पे खड़े होते हैं तो हम बोलते हैं हम जीरो हाइट पर है, तो फिर इस पानी को तो नेगेटिव हाइट बोलनी पड़ेगी ना, नेगेटिव ये। तो जो पानी नीचे था उसको ऊपर पहुंचा देती है, ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन में अंदर पानी है, ये टंकी के ऊपर पानी है, टंकी में पानी नहीं होता, मोटर पहुंचाती है खींच के ऊपर। तो मोटर का काम क्या होता है बोलो, मोटर का काम क्या होता है, लेवल डिफरेंस मेंटेन करना। बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। मैंने फिर से बोला है पानी से सारी चीजें कनेक्ट हो जाती है यहां। तो बैटरी क्या करती है, इधर से इलेक्ट्रॉन खींच के ऐसे डाल देती है, इधर से इलेक्ट्रॉन खींच के इस पे डाल देती है, इलेक्ट्रॉन खींच के इस पे डाल देती है। तो बताओ इसमें से जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, इस पे पॉजिटिव आएगा, और जब इस पे वो डालेगी तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। बोलो पल्ले पड़ाया नहीं, असलियत में इलेक्ट्रॉन स्टंट कर रहे होते हैं, असलियत में तो इलेक्ट्रॉन स्टंट कर रहे होते हैं। लेकिन पता है ऊपरी सतह पे एक्टिंग किसकी दिखेगी, ऊपरी सतह पे एक्टिंग आपको सलमान खान की दिखेगी, ठीक है, कि हम ये भी बोल सकते हैं इमेजिनरी कि इधर से पॉजिटिव चार्ज खींच के इस पे डाल दिया है। सोचो इधर का पॉजिटिव खींच के इस पे डालोगे तब भी इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव ही आ रहा है। तो अब सुनिए सस्ती बात, बच्चों को बताने के लिए मैंने क्या बोला, बच्चों को बताने का, हाँ असलियत में इलेक्ट्रॉन, बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रॉन की स्टैटिक है ये, हर जगह इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। पॉजिटिव चार्ज नाम की कोई चीज नहीं होती जो मूव कर सके, ठीक है। हाँ इलेक्ट्रॉन इज मोर एक्यूरेट कॉन्सेप्ट, बट सारी डेफिनेशन पॉजिटिव चार्ज को लेकर डिफाइंड हुई है, इसलिए हम पॉजिटिव चार्ज को आगे रखते हैं, ठीक है। तो अब आपको सस्ती वाली बात यह कि जो प्लेट पॉजिटिव से जुड़ी थी वो पॉजिटिव हो गई, जो नेगेटिव से जुड़ी थी वो नेगेटिव हो गई, ये सस्ती बात। असली बात यह कि बैटरी दूसरी, ठीक है ना, बैटरी असलियत में इधर से इलेक्ट्रॉन खींच के उसमें डाल देती है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो गई। लेकिन अभी बताइए इस फिगर में बैटरी कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की, पोटेंशियल डिफरेंस अभी कितना हुआ है, 4 वोल्ट का। तो बैटरी अभी अपनी हरकत कंटिन्यू करेगी, यानी अगला फिगर, वेरी नेक्स्ट फिगर क्या होगा, येरी प्लेट है, येरी प्लेट भी, ठीक है, येरी बैटरी, ये 10 वोल्ट की बैटरी, धीमे धीमे इसमें से और इलेक्ट्रॉन खींचेगी, ये और चार्ज होगी, ये और चार्ज होगी, एक स्टेज ऐसी आ गई कि ए प्लस 5 वोल्ट हो गया और बी माइनस 5 वोल्ट हो गई, ठीक है, ये प्लस 5 वोल्ट, ये माइनस 5 वोल्ट। अब बताइए वी ए माइनस बी भी कितना हो गया है, बताइए ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस अब 10 वोल्ट हो गया है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ही 10 वोल्ट का पोटेंशियल, सुनेंगे आप सब लोग, जैसे ही 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा बैटरी का काम रुक जाएगा, फिर बैटरी इससे औकात, यानी
अब बैटरी जितने वोल्ट की होती है उतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर सकती है, वो इसने कर दिया। अब मैं इसे हटा के 11 वोल्ट का लगाऊं तो वो 11 वोल्ट का करती फिर फिलहाल। अब बैटरी इससे ज्यादा, क्योंकि पता है क्या होगा, सुनिए मैंने आपको क्या बताया रियलिस्टिक फिजिक्स, बैटरी का पॉजिटिव इसमें से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो पहली बार इलेक्ट्रॉन खींचना सबसे आसान होता है। अब अगली बार जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सुनो बैटरी के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये रहा इलेक्ट्रॉन, सुनो ये रहा, अब इस इलेक्ट्रॉन को केवल बैटरी नहीं खींच रही, ये प्लेट वापस खींचेगी, क्योंकि ये प्लेट भी पॉजिटिव हो चुकी है, मना कर देगी, लेकिन क्योंकि बैटरी ताकतवर है तो खींच ही लेती है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आ गई कि साला सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसको सिर्फ बैटरी का पॉजिटिव नहीं खींच रहा, इस प्लेट का भी पॉजिटिव वापस खींचेगा, यानी फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि बैटरी के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब बैटरी के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना खत्म हो जाएगा, वो नहीं निकाल पाएगी, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसलिए इसको अब देखिए, इस प्रोसीजर का नाम है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये जो अरेंजमेंट है बेटा, इस अरेंजमेंट का नाम है कैपेसिटर, दो पैरेलल प्लेट है, और बैटरी लगाने के बाद जब ये चल रहा है तो नोट देखिए, इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चल रही है, इसको बोलते हैं फुली चार्ज कैपेसिटर विद पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। इस बैटरी की जितनी औकात थी उसने उतनी टंकी भर दी, जितनी औकात थी। बेटा एक चीज बता दूं, हर मोटर की क्षमताएं बराबर नहीं होती, आप कूलर की मोटर से जमीन का पानी ऊपर नहीं पहुंचा सकते, जबकि मोटर भी वही, वो भी वही मोटर है, कूलर की मोटर है, कूलर की। और एक और बात बता दूं, एक छोटा कूलर होता है एक जंबो कूलर होता है, छोटे वाले कूलर की मोटर जंबो वाले कूलर में काम नहीं कर पाती, क्योंकि वो इतना लेवल नहीं उठा पाती पानी को। देखिएगा बेटा, छोटे वाले कूलर को डाल देना, ठीक है ना, सुनना समझना, है नहीं, छोटे वाले कूलर को, छोटे वाले कूलर की मोटर को, छोटे वाले कूलर की मोटर को जंबो वाले कूलर में डाल देना, तो पानी वो पूरा इतना लेवल उठा ही नहीं पाती, समझ में आ गया। तो जैसे मोटर की क्षमताएं अलग अलग होती है और हम जरूरत को पिक करते हैं, बेटा कूलर में समरसेबिल नहीं लगाते, कूलर में समरसेबिल लगाने की क्या जरूरत है, कूलर में समरसेबिल तो वही बात होगी ना, आधी किलो चीनी आप ट्रक से लेके आ रहे हो, ठीक है। जब हमें बहुत हाइट तक पानी चढ़ाना होता है ना, तो टिल्लू मोटर से भी काम हो जाता है, और हाइट से चढ़ाना हो तो समर से भी काम में आती है। होप कि मैं समझा पाया इतना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फुली चार्ज्ड कैपेसिटर, और कैपेसिटर की क्षमता ये आप ऐसे समझो, ये मोटर थी उसने ऊपर टंकी भर दी, अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग टंकी भर दी। अब आपको कैपेसिटर का एक एडवांटेज ये कि यदि मैं ये बैटरी डिस्कनेक्ट कर दूं, जैसे नीचे से समरसेबल बंद कर दी, तो ऊपर टंकी में पानी भरा रहेगा जब तक आप उसे बर्बाद नहीं कर रहे या यूज नहीं कर रहे। बेटा मैंने नोट साथ में साथ पढ़ना, इसमें से इस अरेंजमेंट को डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी से, प्लीज समझिएगा डिस्कनेक्ट कर दिया, तो अभी भी ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट ही रहेगा। देखो ये समरसेबल है और ये ऊपर टंकी भर दी आपने, अब टंकी जब तक आप नीचे नहाओगे नहीं, धोगे नहीं, बर्तन नहीं मांजोगे, कपड़े नहीं धोगे, तो टंकी भरी रहेगी कि नहीं रहेगी, ये इसको नोट्स देखिए, नोट्स में ये लिखा हुआ है, नोट्स में ये लिखा हुआ है, मैं बताता हूं क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कैपेसिटर स्टिल रिमेन्स चार्ज हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट इवन आफ्टर डिस्कनेक्टिंग बैटरी, बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बावजूद भी वो चार्ज रहा। बोलो यहां तक समझ में आ गई नहीं आ गई, और सुनो ये वही वाला फिगर है जो इसको मिटाने से पहले स्टेप थर्ड था। क्या था स्टेप थर्ड में, एक प्लेट पॉजिटिव थी और उसके बगल में एक प्लेट नेगेटिव थी, उस प्लेट तो अर्थिंग इसलिए करनी पड़ी, यदि मैं अर्थिंग नहीं करता ठीक है तो वो उधर वाली पॉजिटिव वाला चार्ज जाता नहीं, लेकिन अब इसमें जरूरत ही नहीं है, इसमें जरूरत ही नहीं है अर्थिंग करने की, क्योंकि एक प्लेट प्लस एक माइनस हो गई, जो अरेंजमेंट हमें चाहिए था वो हो चुका। बेटा टंकी, जय पूछ रहा है कैपेसिटर चार्ज क्यों रहता है, ये कैसा क्वेश्चन है यार, जब टंकी भरी हुई क्यों रहती है, टंकी भरी हुई क्यों, या तो क्वेश्चन ठीक कर, तुम ये तो नहीं पूछना चाह रहे इसका यूज क्या है, जय या तो तेरा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम क्यों चार्ज करते हैं, ये तो नहीं है क्वेश्चन क्यों करते हैं ऐसा, या तो ये पूछ ये क्या क्वेश्चन कि कैपेसिटर चार्ज क्यों रहता है, ठीक है। हाँ तो धीमे धीमे यूज आएगा, समझ में आएगा। हाँ सही है हर सवाल, तू तो ऋतराज ने, ये पानी गीला क्यों होता है, पानी गीला क्यों होता है, सही है भाई, सल्यूट है, ठीक है, ओहो ठीक है। तो बेटा देखिए प्लीज ये भी समझ में आएगा, बेटा हम पहले दिन सारी फिजिक्स नहीं डिलीवर कर सकते,
क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है उसका, आपको आज नहीं तो कल सीखना तो है। साला कैपेसिटर का यूज किया है, कैपेसिटर का साला यूज किया है, ठीक है, टेंशन मत लो। अभी फिलहाल ये देखो, कैपेसिटर को जब हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो उसकी, आप इस फिगर को देखो और इस फिगर को देखो, इसको देखो और इसको देखो, ये नंगी थी प्लेटें, मतलब खाली प्लेटें थी, कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अब उन्हीं प्लेटों पे चार्ज आ चुका है, एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव है। इस पूरे सिस्टम को कैपेसिटर बोलते हैं। दीपक थैंक यू बेटा, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू बेटा दीपक, ठीक। हाँ, होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब सुनिए, ये मोटर थी, ये टंकी खाली थी, टंकी को समरसेबल से जोड़ दिया, बटन अभी ऑन किया नहीं है, जुड़ गए पाइप, पाइप सब कनेक्ट है, जैसे ही बटन ऑन करूंगा ब्रर, ठीक है। अच्छा, समरसेबल जब आप ऑन करते हैं तो टंकी भरने में कुछ टाइम लगता है ना, लेकिन ये जो कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर, इसको मैंने जो समझाया है, मैंने समझाने में तो बहुत टाइम ले लिया, बहुत टाइम ले लिया, लेकिन साला प्लग में घुसेड़ोगे तुरंत निकाल लेना, विद इन टू सेकंड नहीं, वन सेकंड चार्ज हो जाता है। ये जो हरकत हुई है ना, यहां से यहां समझाने में जरूर टाइम लगा, लेकिन एक सेकंड के अंदर हो जाता है ये काम। अब ये कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब आप इसको ऐसे समझो कि ये टंकी थी, ये समरसेबल थी, समरसेबल ऑन कर दी, उसने टंकी भर दी, फिर समरसेबल बंद कर दी। अब समरसेबल बंद कर दी तो टंकी में तो पानी रहेगा ना, अब टंकी का पानी स्टोर हो गया। क्यों करते हैं टंकी में स्टोर? अच्छा, क्यों करते हैं टंकी में स्टोर? ताकि हम उसे यूज कर सके बाद में, स्लोली स्लोली यूज कर सके, धीमे धीमे, फिर खाली हो जाएगी, फिर भर देंगे, उसका यूज कर सके पानी। अच्छा, जमीन का जो पानी होता है उसे यूज नहीं कर सकते, उससे तुम पॉटी तो धो नहीं पाओगे ना, जमीन के अंदर पानी से, पानी को जिस तरीके का है पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, पहले ऊपर रखो, ऊपर, जिससे कि अपने आप नीचे आता रहे, बार बार समर से चलाओगे नहीं आप, एक बार भर दिया, धीमे धीमे कपड़े धोने के लिए, बर्तन मांजने के लिए पानी यूज करते रहो। तो टेंशन मत लो, मैं इसका भी यूज बताऊंगा कि यहां इससे बर्तन कैसे धोएंगे, किस टाइप के बर्तन धोएंगे, वो भी बताऊंगा। पहले हमने चार्ज स्टोर कर दिया, हम अकेली प्लेट को भी चार्ज दे सकते थे, लेकिन दुकेली प्लेट में ना एक अच्छा हैंडसम चार्ज स्टोर होता है, एक अच्छा अमाउंट चार्ज हो जाता है। और इस पूरे प्रोसीजर में याद रखिएगा, इस पर जितना प्लस क्यू आया है, इस पे उतना ही माइनस क्यू आता है भाई, क्योंकि इसी का उठा के चार्ज इस पे डाल दिया है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जितना उसमें, बस अंतर यह है कि अब ये दोनों प्लेट इंडिविजुअली चार्ज हो चुकी है। अच्छा, टोटल चार्ज ऑन सिस्टम जीरो है अभी, टोटल चार्ज ऑन सिस्टम ये बताने की जरूरत नहीं है कि भैया टोटल, अच्छा जीरो तो वहां पर भी है, जीरो तो यहां पर भी है, जीरो तो वहां पर भी है, जीरो तो यहां पर भी है, लेकिन अब धीमे धीमे यूज भी समझ में आएगा। इस समय ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, स्टोर हो गया। अब स्टोर हम कोई चीज क्यों करते हैं? यूज करने के लिए। अब मैं इसका यूज बताता हूं। यदि मान लो, सुनिए अब, यदि मान लो, अब अगला स्टेप, इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अरेंजमेंट बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यदि मैंने इसकी दोनों प्लेटें, सुनिए यहां पे और ध्यान दीजिएगा, ये दोनों प्लेटें हैं, इसको मैंने, सॉरी, अब बैटरी से नहीं, आपस में कनेक्ट कर दिया। अब गौर से देखो, कंडक्टर ए कंडक्टर बी से कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया मैंने, तो अब कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं? अब ये नॉट टचिंग नहीं है, अब तो ये टचिंग हो रही है। प्लेट ए प्लेट बी से कनेक्ट कर दी मैंने, तो अब आप बताइए, जमीन का पानी समरसेबल ने ऊपर पहुंचाया, जमीन का पानी समरसेबल ने ऊपर पहुंचाया। अब यदि आप टंकी खोल दोगे, अलाउ कर दोगे, फ्लो अलाउ कर दोगे, तो टंकी का पानी वापस जमीन में चला जाएगा कि नहीं? है नहीं? तो सुनिए, ये हायर पोटेंशियल की प्लेट है, ये लोअर पोटेंशियल की प्लेट है ना, द चार्ज विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और ध्यान रखना, सलमान खान एज अ हीरो दिख रहा है, अंदर से स्टंट कौन, ये जो एरो दिखाया है ना, ये जो एरो है, ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज का फ्लो दिखाना पड़ता है इनको, लेकिन अंदर कौन है, समझ गए, अंदर कौन हरकत कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाते हैं, और चार्ज हाई पोटेंशियल से लो जाता है। जब हम मैं खाली चार्ज बोलता हूं तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये चार्ज ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है बेटा, ऐसे फ्लो कर रहा है, तो धीमे ही धीमे धीमे धीमे, बताओ मेरी उंगलियों को देखना, इसका पॉजिटिव चार्ज यहां से निकला, यहां गया, न्यूट्रलाइज कर रहा है, फिर ऐसे जाएगा, ये धीमे धीमे धीमे, ये कहलाती है डिस्चार्जिंग प्रोसेस, कैपेसिटर डिस्चार्ज। तो बेटा, यदि आप समरसेबल चलाओ नहीं और हटा दो,
टंकी का पानी यूज कर रहे हो, तो अगला फिगर, कभी तो टंकी पूरी खाली हो जाएगी, ये टंकी पूरी खाली हो गई, दिस इज फुली डिस्चार्ज कैपेसिटर, फुली डिस्चार्ज कैपेसिटर। आपने कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करी, बेटा पर्पस बाद में बताऊंगा, एप्लीकेशन बाद में बताऊंगा, लेकिन एनर्जी स्टोर कर दी, लेकिन हम कोई भी एनर्जी बेवजह स्टोर नहीं करते, कुछ तो हमें यूज करना होता है तभी तो। सपोज करो मैंने इन दोनों प्लेटों को आपस में कनेक्ट कर दिया, बेटा इस कनेक्शन में और इस कनेक्शन में अंतर है, इसमें बीच में बैटरी और मोटर लगी हुई है, इसमें मोटर हटा दिया मैंने, यानी सुनिए सब लोग, यदि मैं यहां एक एलईडी या बल्ब लगा दूं, एक एलईडी या बल्ब लगा दूं इस सर्किट में, तो बल्ब जलेगा बेटा, क्योंकि करंट जा रही है उस बल्ब के थ्रू होके, देखो, और बल्ब फिर बंद भी हो जाएगा, बल्ब बंद भी हो जाएगा। ये तो ये है बेटा, शुरू से एक बार समरी, दिस इज चार्जिंग प्रोसेस, चार्जिंग प्रोसेस, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, फुली चार्ज कैपेसिटर, फिर बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, कैपेसिटर टंकी भर गई, जब तक यूज नहीं करोगे टंकी भरी रहेगी, यदि टंकी में कोई लीकेज नहीं है बेटा, टंकी में तो टंकी भरी रहेगी जिंदगी भर, मानते हो इस बात को, कैपेसिटर को यूज मत करना यदि कैपेसिटर में कोई खराबी नहीं है, है ना, तो जिंदगी भर चार्ज स्टोर रखता है कैपेसिटर, जिंदगी भर, आज से 5 साल बाद आओगे चार्ज स्टोर रहेगा यदि कैपेसिटर में लीकेज नहीं है तो, 5 साल बाद आना एज इट इज मिलेगा, स्टोर रहेगा, और फिर यदि इसके दोनों तारों को आपस में कनेक्ट कर दे तो डिस्चार्ज हो गया, बल्ब जला लेकिन पल भर के लिए जला, बल्ब जला लेकिन पल भर के लिए ही जला, और आप समझ सकते हो कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे कि पल भर के लिए क्यों जला, क्योंकि बेटा वो थोड़ी देर के लिए ही करंट फ्लो कर पाया, ठीक है बेटा, मैंने क्या बोला सुमित, यदि कैपेसिटर में लीकेज नहीं है तो, लीकेज नहीं है तो वो चार्ज स्टोर रखता है, पता है आपने कभी ये मैसेज सुना हो कभी, ठीक है, कि नहीं इन्वर्टर में और इसमें अंतर है, इन्वर्टर और दीपक इसमें अंतर है, बताऊंगा इन्वर्टर और इसमें क्या अंतर है, थोड़ा थोड़ा मान सकते हो लेकिन बताऊंगा इसमें क्या अंतर है, मेरे को आने दो, ठीक है, अभी ये कितना टाइम हो रहा है, अभी तो टाइम है, ठीक है, हाँ क्या बता रहा था मैं, भूला, हाँ इसमें वो तो मैं भूल चुका हूँ, क्या बता रहा था मैं, कि ये अच्छा बताइए ये बल्ब पल भर के लिए क्यों जला, ये बल्ब पल भर के लिए क्यों जला, आप तो बंद नहीं कर रहा, जलने के लिए मैंने लाइट, ठीक है, क्या बेटा सुमित क्या मैसेज, सर मैसेज क्या कह रहे हो, क्या गेरी है भाई, सर एक सेकंड ही तो चार्ज किया था, अच्छा सर मैसेज आप बता रहे थे, अच्छा मैसेज पता नहीं मैं भूल गया बेटा, उसे भूल जाओ, अब मैं आपको कैपेसिटर और बैटरी में अंतर बताता हूं, सुनिए बताइए, प्लेट ए और प्लेट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट, इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 10 वोल्ट, तो एक बैटरी, बैटरी देखिए, बैटरी आप ऐसे बनाते हो, कैपेसिटर अब आप ऐसे बनाओगे, बैटरी के और कैपेसिटर के सिंबल में क्या अंतर है, बैटरी में एक प्लेट आप बड़ी दिखाते हो और एक छोटी दिखाते हो, और उसमें जो बड़ी होती है, बड़ा इलेक्ट्रोड जो होता है वो अपने आप ही पॉजिटिव मान लिया जाता है, और ये नेगेटिव, नहीं भी बनाऊंगा तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन कैपेसिटर में आपको एक प्लेट पॉजिटिव और एक नेगेटिव दिखानी पड़ेगी। अब एक 10 वोल्ट की बैटरी और एक 10 वोल्ट के चार्ज कैपेसिटर, एक 10 वोल्ट की बैटरी और एक 10 वोल्ट के चार्ज कैपेसिटर में क्या अंतर है, आप सुनिए, अब पहले ये सुनिए बेटा, यदि मैं बैटरी है बेटा, यदि बैटरी है और इसमें बल्ब लगाऊं तो बल्ब जलेगा ना, बल्ब इसमें भी जला, बल्ब इसमें भी जला, अंतर क्या है बैटरी और कैपेसिटर में, आप सुनिए गौर से, गौर से सुनिए, ये भी 10 वोल्ट की बैटरी, ये भी 10 वोल्ट का चार्ज कैपेसिटर, अंतर ये है कि कैपेसिटर में जो एनर्जी, अच्छा इसमें भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर है, इसमें भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर है, दोनों में स्टोर है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होने के बाद देखिए दो तरीके हैं, टंकी भर गई, टंकी भर गई, अब दो तरीके सुनना, नीचे यदि तुमने टूथब्रश करने के लिए, पॉटी धोने के लिए, नहाने के लिए टोंटी खोली, तो पानी धीमे धीमे निकलता है, सुनिए बेटा धीमे धीमे निकलता है ना, ठीक है, टंकी धीमे धीमे खाली होगी, टंकी धीमे धीमे खाली होगी, तो बैटरी से जब आप बल्ब जोड़ते हो तो बल्ब जल रहा है, बैटरी की एनर्जी धीमे धीमे खत्म हो रही है, बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाती है बेटा, जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ है बैटरी भी डिस्चार्ज होती है, 2 महीने के बाद आप रिमोट में थप्पड़ मारने लग जाते हो, बीइंग इंडियन बनिया,
रिमोट में थप्पड़ मारने लगे क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज कंडीशन में आने लगी, लेकिन साला हम तो थप्पड़ मार के फिर निकाल के गर्म करके उसमें डाल के फिर चालू कर देते और फिर अगले 2 महीने लाइफ बढ़ जाती है रिमोट की, है ना, बढ़ जाती कि नहीं। और साला रिमोट में सेल तब तक नहीं बदलते, थप्पड़ तो मारते ही रहते। पहले हम बिस्तर से रिमोट, बिस्तर पे लेटे लेटे रिमोट से चेंज कर रहे होते टीवी चैनल, है ना, फिर थोड़े दिनों बाद थोड़ा सा उठते हैं यू पास में ले जाते हैं, फिर साला 6 महीने के बाद बिल्कुल चाहे टीवी के बगल में लगाना पड़े बटन, साला रिमोट का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, है ना। लेकिन सेल तो हम तभी बदलेंगे जब बिल्कुल ही खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए तो अब मैं बताता हूं, यदि ये बैटरी है, ठीक है, यदि ये मैंने प्रैक्टिकल बात बोली, सब करते हैं ये, सब करते हैं ये हरकत, करते हो नहीं करते हो। साला शैम्पू की बोतल जब खाली हो जाती है, मैं तो करता हूं, शैम्पू की बोतल खाली, कौन फेंकता है शैम्पू की बोतल, साला उसमें पानी डाल के, मेरा तो कम से कम 6-7 दिन की जुगाड़ हो जाती है, पानी डाल के उसे गीला कर लिया तो उसमें से भी झाग निकलते हैं बेटा, निकलते हैं बेटा, कोई नहीं फेंकता। टूथब्रश की बेंचो ढंग से ले लेते हैं, टूथपेस्ट निकलता है निकलता है, फिर उसको ढंग से बेलन से रोल करके साला उसकी एंड चीक निकाल देते हैं। और मेरे यहाँ तो टूथपेस्ट के साथ पोस्टमार्टम होता है, जब निकलना ही बंद कर देता है तो फिर कैंची से काट के उसको सर्जरी कर देते हैं, फिर ब्रश लगा के कर एंड में उसका देहांत करके ही मानते हैं बेटा, ठीक है, सबने किया ये, ठीक है, सबने। हमारे यहाँ टूथब्रश की लाइफ, टूथब्रश की जो लाइफ होती है, हाँ, ये मिडिल क्लास सैक्रिफाइस यही होते हैं। टूथब्रश की लाइफ देखना, पहले ब्रश करने के काम में आता है, साले उसके बाल बिल्कुल ही ऐसे चौथरे से हो जाते ना, तब चेंज करते हैं, नहीं अब रुक जाओ, उस ब्रश के साथ क्या करते हैं, उसके बाद वो सफाई करने के काम में आता है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी सफाई करने के काम में आता है, फेंकते नहीं है उसे। फिर साला डाई लगाने के काम में आता है, आता है ना डाई लगाने के काम में, यानी जो जो जिसके यहाँ डाई, और उसके बाद भी हमारे यहाँ तो उसे भी नहीं फेंकते, साला जब उसके सारे सारे बाल झड़ जाए तो एंड में नाड़ा डालने के काम में तो आता है ना, नाड़ा डालने के काम में, ठीक है, बांधो और नाड़ा डालो, ठीक। हम जब नई शर्ट लेते हैं तो पहले हम डेली यूज में नहीं पहनते, साला बारात में जाएंगे तब पहनेंगे, फंक्शन में जाएंगे तब पहनेंगे, फिर जब वो 8-10 बार यूज हो जाती है, 8-10 बार यूज हो जाती है, तब उसको डेली यूज में पहनते हैं, फिर साला उसके चितरे चितरे जैसे उड़ने लगते हैं, तो मम्मी कह देती है कि अब इसे होली पे पहनेंगे। सच है कि होली पे पहनेंगे, है नी, होली पे पहन लेते हैं, ठीक है। होली पे पहनने के बाद कब तक, फिर उसका पोंछा बनता है, बनता ही नहीं बनता, उसका एंड में पोंछा बनता है, जब उसके दाखे हो जाते तब फेंकता है बेटा वो एंड में, है नी। अब सबको लग रहा होगा ये तो मेरे घर की स्टोरी है, ये सबके घर की स्टोरी है, कोई बोले या ना बोले सबके घर की स्टोरी है साला, ठीक है। मेरे तो सुनो, बनियान जो अंदर पहनते हैं ना उसमें साले इतने छेद होते हैं कि कभी कभी तो ये सोचना पड़ता है हाथ किस छेद में डालना है और गर्दन किस छेद में डालनी है, ठीक है। बनियान यदि किसी दिन केवल सिंपल फिगर में आ गया ना, तो आप साला बनियान में इतने छेद हैं कि कभी कभी मैं गर्दन पे ले जाता हूँ, साला गर्दन गर्दन किस छेद में डालनी है और हाथ किस छेद में डालने है, ठीक है। चलिए अब ऐसी बनिया स्टोरी सबके यहां मिलेंगी, मुद्दे पर आते हैं। तो बैटरी से जब बल्ब कनेक्ट करते हैं, ठीक, बैटरी से जब बल्ब कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ये तो बैटरी से जब बल्ब कनेक्ट करते हैं तो ये वो अंदाज होता है बैटरी से, जैसे नीचे टोंटी खोल दी, नीचे टोंटी खोल दी, ब्रश कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, तो बैटरी ऊपर से डिस्चार्ज हो रही है, तो ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। लेकिन यदि कैपेसिटर से यदि आपने बल्ब कनेक्ट कर दिया, तो आप सुनिए, कैपेसिटर पता है अपनी एनर्जी, हाँ, थर्ड मीटिंग ज्वाइन करनी है, करनी है बेटा। यदि मैंने कैपेसिटर से बल्ब कनेक्ट कर दिया तो पता है, आप ये मानिए, कैपेसिटर किस तरीके से एनर्जी को वापस करता है, एनर्जी स्टोर कर ली लेकिन वापस कैसे करता है। यदि मैं टंकी को एकदम से पलट दूं, बताइए क्या होगा, ऊपर की टंकी, सपोज करो मैं सर्वशक्ति शक्तिमान शक्तिमान बन गया, मैं मुझे इतनी ताकत दे दी कि ऊपर की टंकी उठा ली मैंने और उसको पलट दी, तो क्या होगा, एकदम से ब्लास्टिंग एनर्जी निकलेगी, एकदम से ब्लास्ट करके एनर्जी निकल जाएगी और कैपेसिटर एक झटके में खाली हो जाती। मतलब यदि मैं, यानी कैपेसिटर एक झटके में अपनी एनर्जी देता है, जैसे डैम में से पानी छोड़ते हैं ना, तो एकदम से छोड़ते हैं, एकदम से छोड़ेंगे तभी तो टरबाइन घूमेगा। साला टरबाइन पर जो टरबाइन है उस पे दो दो बूंद करके पानी डालोगे तो टरबाइन घूम थोड़ी नहीं जाएगा, साला धीमे से प्रेशर डाल दिया तो टरबाइन थोड़ी नहीं घूमेगा। तो कैपेसिटर एक्सप्लोसिव करके एनर्जी देता है, अपनी जो एनर्जी देता है वो एकदम से दे देता है, सो में डेंजरस नहीं होता,
सुनो मैं बताता हूं, बिजली इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस नहीं होती, डेंजरस होती है उसके साथ गलत तरीके से छेड़ने में और खेलने में। ऐसे तो घर में जो एक बात होता है प्रेशर कुकर होता है वो भी डेंजरस होता है बेटा। घर में जो गैस का चूल्हा होता है, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, गैस का चूल्हा भी है तो डेंजरस ही, सिलेंडर रखा रहता है घर में, है ना, मेरी बात सुनिए तो सही। अभी कैपेसिटर जो होता है वो अपनी एनर्जी एक झटके में दे देता है, जो भी उसकी एनर्जी, अरे अब मैंने ये बोल दिया एक्सप्लोसिव एनर्जी, बस इसका मतलब ऐसे लेना है कि उसमें जो एनर्जी है वो एक बार में दे देता है अपने। इसीलिए ठीक है, इसलिए सुनना, बैटरी डिस्चार्ज होती है महीने, दो महीने, तीन महीने में, ठीक है। कैपेसिटर विद इन सेकंड डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि आपने उसकी एनर्जी एक बार में लूट ली, एक बार में लूट ली। और कैपेसिटर रिचार्जेबल भी होता है, यहां से बिल्कुल ठीक, कैपेसिटर रिचार्जेबल, ये बात सुनो, ये खाली हो गया, सुनो यदि ये खाली हो गया कैपेसिटर कोई बात नहीं। अच्छा मैं आपको बताता हूं, सबने बॉयज ने तो ये हरकत की होगी, कंडेंसर नाम सुना है, कंडेंसर जो पंखे में लगता है, पंखे में जो लगता है, सबने कंडेंसर नाम सुना है, ये जो पंखे में लगता है सबने देखा भी है, कुछ मत करना हाथ ये लेना। अब बता दो कंडेंसर ही कैपेसिटर है, साला गंगा लड़ी सकती है, ध्यान रखना, कंडेंसर इज जस्ट अनदर नेम ऑफ कैपेसिटर। कंडेंसर जो पंखे में लगता है, मैं कल बताऊंगा, चलो काफी हो जाएगा, फिर बोरिंग हो जाएगा, फिर ज्यादा बढ़ाना भी सही नहीं है, ठीक है, तीसरी मीटिंग में मत आइएगा, छोड़ो चूल्हे में जाने दो, वो मैं कल बताऊंगा कि क्यों कैपेसिटर यूज कहां कहां करते हैं। अभी बस इतना समझो, जहां आपको एक झटके में एनर्जी चाहिए। हाँ ओ शाब जी, जो चाचा है वो भतीजा है, इसका दूसरा वर्जन है गंगाधरी शक्तिमान है, ठीक है, हाँ हाँ समझ गए। अब देखिए बेटा, सुनो सुनो सुनो, अब मेरी बात सुनिए प्लीज। ये अब एक हरकत आपने की होगी, नहीं की तो बहुत इजी है, यदि इसके तार को लेना, पकड़ना और इसमें घुसेड़ देना, ये रहा कंडेंसर, तीसरी मीटिंग नहीं लेनी, और इसमें यू कर देना, घुसेड़ देना, और गिनती गिनना है, एक दो, और बाहर निकाल लेना। अब प्लेटें इसके अंदर होती है बेटा जो दिखती नहीं है, प्लेटें इसके अंदर होती है जो दिखती नहीं है, प्लेटें इसके, जैसे ही आप इसमें घुसे रहोगे ना, तो अंदर की प्लेटें एक पॉजिटिव